बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र हुआ बंद। 15 दिन में बंद हुआ ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र। अब तक करीब 10,000 लोगों को लग चुका है टीका। और बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र बंद हो गया है। आपको बता दें कि 15 दिन में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र बंद हो गया है और अब तक करीब 10,000 लोगों को यहां पर टीका लग चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र बंद हो गया है। 15 दिन में ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन केंद्र बंद हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक करीब 10,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 23 पैसे महंगा हुआ है। आपको बता दें दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हुआ है, वहीं डीजल 40 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हुआ है। 4 मई से 22 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा किया गया है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जल निगम भर्ती घोटाले में कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने आदेश पारित किया, उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो उनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आजम खान को फंसाने की तैयारी करी जा रही है। तो जल निगम भर्ती घोटाले में कोर्ट में आजम खान की याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने पारित किया है और उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका यह कहना है कि आजम खान को फंसाने की पूरी तैयारी कर दी जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवा शर्मा। तो शिवा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जब समाजवादी पार्टी थी, उस समय जल निगम में अध्यक्ष के रूप में आजम खान को नियुक्त किया गया था। और उस समय में जो भर्तियां हुई थी, वो योगी सरकार में जब उसकी जांच हुई, तब वो घोटाले सामने आए थे और उसी घोटालों में आजम खान को दोषी माना गया था और उसी के तहत उनको सजा भी हुई थी। हालांकि वो न्यायिक हिरासत में है और वर्तमान में उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से कल कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसकी सुनवाई कल हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें आजम खान समेत जस्टिस और उनके वकील भी जुड़े हुए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। लिहाजा ये कहा जाएगा कि जो बड़ी पैरवी थी वकीलों की, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे आई बी सिंह हो, जिनको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वकील माना जाता है क्राइम के मामले में, उनकी अर्जी को खारिज करते हुए ये कह दिया गया है कि इस पूरे मामले में उनको दोषी पाया गया है, लिहाजा वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। अब अगली जमानत याचिका उनकी कब लगती है और उस पर किस तरीके की सुनवाई होती है, जरूर देखने वाली बात होगी। अशिया, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनके वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक वजहों से लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल, ये समाजवादी के चाहे बड़े नेता हो चाहे उनके वकील हो, ये शुरुआती दौर से वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे और ये जरूर कह रहे थे कि कई राजनीतिक कारण थे जिसकी वजह से, चूंकि इनका लंबा समाजवादी पार्टी में इनका कद काफी ऊंचा था, लिहाजा इनको फंसाने के लिए और सरकार की कमर तोड़ने के लिए इन पर इस तरीके के आरोप लगाए गए। और उनकी सरकार में जो भर्तियां हुई थी वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हुई थी। हालांकि इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो SIT की तरफ से की जा रही है और अभी इसमें चार्जशीट बहुत ज्यादा फाइनल नहीं हुई है, तो ये मामला विचाराधीन है और कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार के जो पुलिस के बड़े वरिष्ठ अफसर हैं, वो भी इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल न्यायिक चीजों में पेचीदगी है और ये कहा जाएगा कि जब तक कोर्ट को उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंसेस उनके फेवर में नहीं मिलते, तब तक उनकी जमानत नहीं हो सकती है। शिवा, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, इस बीच
एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में चला रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ने का अभियान। एटीएस द्वारा 11 रोहिंग्या नागरिकों को अरेस्ट किया गया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में ये सभी रोहिंग्या नागरिक बसते थे। अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए छुपे रहते थे ये रोहिंग्या। फिलहाल मास्टरमाइंड नूर आलम समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ने का अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि एटीएस के द्वारा 11 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वही भारत के अलग अलग हिस्सों में ये रोहिंग्या नागरिक बसते थे और अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए छुपे रहते थे। साल मास्टरमाइंड नूर आलम समेत 11 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जी जुड़ चुके हैं। तो शिवा जी, क्या कुछ मामला है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अफसर एक जोरदार मुहिम चला रहे हैं और हाल ही के दिनों में 11 रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में गाजियाबाद से जो 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए थे, जिसमें नूर आलम नाम का जो शख्स था वो पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एटीएस और आईएसटीएफ के चीफ हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया है कि इस पूरे अभियान को प्रायोरिटी में लेकर के और सरकार की प्राथमिकता यही है कि बांग्लादेश के रास्ते होते हुए भारत के अंदर जो भी नागरिक आते हैं, जो रोहिंग्या कहलाते हैं, वो फर्जी दस्तावेजों के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर वास कर रहे थे और उन्हीं के चिन्हीकरण के लिए इस तरीके का अभियान चलाए गए हैं। बड़ी सेल बनाई गई है, एक मॉनिटरिंग टीम है, पुलिस के बड़े अफसर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ की टीम लगातार उन लोगों को धरपकड़ कर उनसे पूछताछ कर रही है। अगर उनके पास अवैध यहाँ के दस्तावेज होते हैं उनके रहने के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। अब तक 11 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कि ऐसे तमाम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बसे हुए हैं, जो अवैध रूप से बसे कहे जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो उनके दस्तावेज है उनके निवास के, वो पूरी तरीके से फर्जी है। इन लोगों में जो जो मददगार हैं, जो जो उनका साथ देते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से भारत तक आने के सफर में हो या उत्तर प्रदेश के अंदर रहने के दौरान उनका सफर हो, उन सभी लोगों के चिन्हीकरण की जो कार्रवाई है वो एटीएस के बड़े अलग अलग टीमों के जो अफसर हैं वो कर रहे हैं। और ये कहा जाएगा कि अब तक जो 11 रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है उनसे कई अहम लीडें मिली है कि उत्तर प्रदेश के कई पश्चिम जिलों में ऐसे रोहिंग्या हैं जो अवैध रूप से वो वास कर रहे हैं और जल्द ही एटीएस की टीमें जो उनको गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। शिवाजी, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? देखिए, हाल ही में उनको जेल भेजा जा चुका है और ये एक प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होती है कि उनके तहत जो मिले सबूत है, उनके खिलाफ जो मिले सबूत है, उसको पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन कोर्ट के सामने पेश करे, ताकि ये जो कार्रवाई है सरकार की तरफ से उसको और मजबूत किया जा सके और ऐसे लोगों को जेल के अंदर लंबे समय तक रखा जा सके। साथ ही साथ जो उनके पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड की जो प्रक्रिया होती है वो पुलिस के लेवल के अफसर जो है वो अपनी तरफ से करते हैं, ताकि उनसे समय समय पर पूछताछ की जाए, ताकि उनका जो बड़ा ग्रोह है वो बांग्लादेश से लेकर के उत्तर प्रदेश चाहे भारत तक के किसी भी सफर का हो, उन सबको चिन्हीकरण करके उनकी कार्रवाई की जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और ये कहा जाएगा इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को दी गई है। उनका कहना है कि साफ तौर से इन रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए जो अभियान है, इस मुहिम में तेजी लाई जाएगी और तमाम रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश के अंदर चिन्हित करके उनको जेल भेजा जाएगा। शिवा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। तो इसी बीच बड़ी खबर ये लखनऊ से है, जहां अपहरण मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, पहला आरोपी एसटीएफ द्वारा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगातार जुटी हुई थी। वही 6 जून को सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में अपहरण हुआ था। वही अपहरण कर मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। तो बड़ी खबर ये लखनऊ से सामने आ रही है। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था, जहां पर अपहरण मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे संवाददाता शिवा शर्मा। तो शिवा जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है जिस तरह से सुशांत गोल्ड सिटी में अपहरण का मामला जो सामने आया था?
देखिए, हाल ही 6 जून में सुशांत गोल सिटी इलाके से अधिवक्ता की पत्नी प्रीति शुक्ला का अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं ने अधिवक्ता से उस महिला को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस पूरी घटना को चुनौती लेते हुए लखनऊ पुलिस और एसटीएफ के ऑपरेशन में उस महिला को सकुशल 2 दिन बाद छुड़वा लिया गया था और 1 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम जो बचे अपहरणकर्ता थे, जिसमें 8 लोग शामिल बताए गए थे, उनमें से 3 लोगों को कल देर रात पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम देव प्रताप रावत, राहुल गौतम और दिलीप कुमार यादव है। ये सभी लोग मोहनलालगंज इलाके के रहने वाले हैं और पुलिस ने बताया है कि जो अन्य फरार 4 आरोपी और हैं, जिन्होंने अपहरण में पूरी साजिश रची थी और जिन्होंने अलग अलग रूपरेखा से, चाहे वो मॉनिटरिंग का काम हो, चाहे वो पैसे के लेन देन का काम हो, उन सभी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीमें बना दी गई हैं। हालांकि जिन लोगों के गिरफ्तार होने की अभी तक संभावनाएं नहीं दिख रही थी, उन लोगों के नाम जो है वो पुलिस टीम को मिल चुके हैं और वो उन नामों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। बड़ी चुनौती थी और लखनऊ पुलिस ने इसको बखूबी निभाया था कि उन अपहरणकर्ताओं को 1 करोड़ का ना तो रकम दी गई, ना तो महिला को कुछ होने दिया गया। अब ऐसे 4 अपहरणकर्ता और हैं जो लखनऊ के अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो लखनऊ से बाहर जा चुके हैं, उनकी धरपकड़ के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की एक क्राइम ब्रांच की टीम और एक सुशांत गोल सिटी की टीम दोनों सभी लोगों की तलाश कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये जो अन्य लीडे हैं, जो 4 लोगों की है, उनको बहुत ज्यादा पक्की मिल चुकी है और आने वाले समय में उन 4 लोगों की गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अपहरण मांगी 1 करोड़ की, इसमें फिरौती मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 15 जून से 8 रूटों पर एसी बसें चलेंगी। परिवहन निगम एसी जनरत शताब्दी व वोल्वो बसें चलाएगा। 24 घंटे पहले ऑनलाइन सीटों की बुकिंग कर दी जाएगी। वाराणसी प्रयागराज, आगरा गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, बलिया, गोरखपुर के लिए ये एसी बसें शुरू होंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है, जहां पर 15 जून से 8 रूटों पर एसी बसों का संचालन शुरू होने वाला है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। इंजेक्शन के नाम पर एक महिला से 95,000 रुपए हड़पे गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों से ठगी करते हैं। पीड़िता ने गोमती नगर थाने में इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस तरह से कालाबाजारी के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उनके भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग इसकी ठगी करते हैं। वहीं पीड़िता ने गोमती नगर थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, 12 इंजीनियरों को बर्खास्त किया गया है। अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार मामले की जद में आए सभी इंजीनियर। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई जांच कमेटी अब जांच कर रही है। 3 लोगों को बर्खास्त करने के साथ ही 4 इंजीनियरों को भी इस मामले में शामिल है। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, जहां पर 12 इंजीनियरों को बर्खास्त किया गया है। अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार मामले की जद में ये सभी इंजीनियर आए हैं। पावर कॉर्पोरेशन द्वारा टीम बनाई गई है और वही लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 3 लोगों को बर्खास्त करने के साथ साथ 4 इंजीनियरों को भी इसमें शामिल किया है। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के नाम पर ठगी शुरू। ठगों ने इंजेक्शन के नाम पर एक महिला से 95,000 रुपए हड़पे। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगी कर रहे हैं। गोमती नगर की अंकिता निधि से ठगी की गई है। आपको बता दें कि पीड़िता ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, राज्य कर्मचारियों को यूपी सरकार तोहफा देगी। 15 लाख से अधिक कर्मियों को डीए व वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 12 लाख से अधिक पेंशनों को
डीआर का लाभ मिला था। आपको बता दें राज्य कर्मचारियों की जनवरी 2020 से वेतन वृद्धि नहीं हुई है, जुलाई में 11% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राज्य कर्मचारियों को यूपी सरकार का तोहफा मिलने वाला है। 15 लाख से अधिक कर्मियों को डीए व वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 12 लाख से अधिक पेंशनरों को डीआर का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मच जाएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।